दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज का वीडियो दोस्तों नए फार्मर भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे बर्ड का जो है दिन है चौथा, और चौथे दिन में वो ख़ास चीज़ जो कि बताने वाला हूं दोस्तों, वो आप सब भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, कि आज मेरा जैसे कि तीसरा दिन है, और तीसरे दिन जो हमने मेडिसिन लगाई है अपने बर्ड को, सबसे पहली चीज़ तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों दवाओं में हमने दिया है बर्ड को, सुबह में दोस्तों गुड़ दिया था। क्यों? क्योंकि गुड़ एक हर्बल है दोस्तों, ये आप एनी टाइम लगा सकते हो अपने बर्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शाम के टाइम पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस में बोलता रहता हूँ, बिमराल जो है दोस्तों, ये बीरबैक कंपनी का है, वो लगाया था। उसके साथ में हमने नोवा मास्क जो अपना एंटीबायोटिक है वो दिया है। 1000 बर्ड पे दोस्तों एक टेबलेट हमने नोवा मास्क दिया है, और जो बिमराल है ये 70 ml हमने दिया है 1000 बर्ड पे। तो डोज भी आप लोग क्लियर कर लीजिए दोस्तों, 1000 बर्ड पे आपको 70 ml, जब आपका चूजा रहे तो 70 ml बिमराल देना होता है। और जब तक आपके चूजे का वेट जो है ये 100 ग्राम प्लस ना हो जाए, तब तक आपको एक बर्ड के ऊपर, यानी 1000 बर्ड के ऊपर मात्र और मात्र एक टेबलेट नौ मास का देना होगा। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि आज हमारा तीसरा दिन है, और तीसरे दिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे बर्ड का जो फीड कंजप्शन है दोस्तों, वो लगभग ये मान के चलिए कि 18 से 19 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से फीड हमारा आज के डेट में खाना चाहिए हमारे बर्ड को। इस हिसाब से दोस्तों हमारा 1750 बर्ड है, और 1750 बर्ड का हमारा फीड बन रहा है लगभग ये मान के चलिए कि 31 किलो। तो 31.5 किलो हम फीड खिला रहे हैं दोस्तों, और ये फीड का 3 गुना पानी आपका बर्ड पीना चाहिए। वैसे दोस्तों आज मैंने एकदम एक्चुअल कैलकुलेशन किया था, मैंने 2 लीटर वाले जो हमारे डिब्बे हैं दोस्तों, इन डिब्बों को मैंने 45 डिब्बे लगाए थे, और ये डिब्बे इसलिए अधिक मात्रा में लगाया गया था कि हम लोग चेक करने वाले थे कि क्या हमारा बर्ड इतना पानी पी रहा है। लेकिन दोस्तों इतना 90 लीटर तो नहीं पिया, पर ये मान के चलिए कि गर्मी भी अधिक थी और 70 लीटर पानी पिया है हमारे बर्ड ने। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप फीडर में या टर्बो फीडर में या चिक्स फीडर में अगर आप फीडिंग कराते हो, तो वो कैसा होता है, और अगर आप बीच में बोरा डालते हो और उस बोरे के ऊपर आप फीड डालते हो, तो वो किस तरह से बर्ड फीडिंग करता है, उसका थोड़ा सा नमूना आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने बोरा पे फीड डाला है दोस्तों, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे बर्ड अधिक मात्रा में फीडर पे ना फीडिंग करके बोरे के ऊपर अधिक से अधिक मात्रा में फीडिंग कर रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब पहले सप्ताह में किसान भाई थोड़ा सा आलस करता है और फीडिंग अधिक नहीं करा पाता है, उन्हीं के बर्ड्स में दोस्तों बहुत सारी बीमारियां आगे चलकर बनने लगती हैं। तो दोस्तों पहले सप्ताह में आपको इतना बेहतर फीडिंग करानी है और पानी इंटेक बेहतर रखना है कि आपका जो बर्ड है, ये बर्ड दोस्तों 200 ग्राम प्लस का हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आप लोग भी इसी तरीके से फीडिंग कराइए अपने, जब तक आपका चिक्स हो।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।